गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिस्ट्री का चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, द सल्टनेट पीरियड। अब सल्टनेट पीरियड की जब बात करते हैं, जनरली इसमें हम बात कर रहे हैं दिल्ली और दिल्ली के आसपास वाले इलाकों की, ठीक है। दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान, इस इलाके की हम बात कर रहे हैं। तो सल्टनेट पीरियड की बात करते हैं तो यहाँ पर 5 मेजर डायनेस्टी का रूल था। क्या था? 5 बड़ी सल्तनत यहाँ पे दिल्ली में रूल करके गई, दिल्ली में अपना शासन जमा के गई थी। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं स्लेव डायनेस्टी के बारे में, उसके बाद में पढ़ेंगे खिलजी डायनेस्टी के बारे में, उसके बाद में आते हैं तुगलक, देन आएंगे सैयद डायनेस्टी और लास्ट में लोदी डायनेस्टी, ठीक है। तो ये 5 मेन आपकी डायनेस्टी थी सल्टनेट पीरियड की जब बात करते हैं। और ये स्टार्ट कब होता है? ये होता है आपका 1206 से लेकर 1526 तक। कब स्टार्ट होता है सल्टनेट पीरियड आपका? 1206 से लेकर 1526 तक स्टार्ट होता है। अब इससे पहले जो थे वहां पर हमारे पास हिंदू रूलर, कौन थे? हिंदू रूलर, जिसमें जो लास्ट पावर रूलर की बात करें पृथ्वीराज चौहान, उसके बाद में आया मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का जब बैटल होता है, युद्ध होता है, तो वहां पर मोहम्मद गौरी जीत जाता है, ठीक है। जीतने के बाद वो इंडिया में रूल स्टैब्लिश करता है, इंडिया में अपना सल्टनेट पीरियड वो स्टार्ट करता है, इंडिया में रूल करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो इंडिया में कुछ टाइम तक रूल करता है, रूल करने के बाद जब इंडिया छोड़कर वापस जाता है तो वो अपने गुलाम को राजा बना के चला जाता है, और उस डायनेस्टी का नाम जो आता है वो स्लेव डायनेस्टी। यानी मोहम्मद गौरी अब गया तो उसने अपना जो उसका गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको इंडिया का रूलर बना के चला गया, ठीक है। अब ये चला गया तो तब से स्टार्ट होती है हमारी स्लेव डायनेस्टी। अब बात करते हैं लास्ट में लोदी डायनेस्टी। लोदी डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर इब्राहिम लोदी, ये जब हारेगा, इसके हारने के बाद आएंगे मुगल्स। कौन आएंगे? मुगल्स। और मुगल्स लंबे समय तक, यानी 250-300 साल तक इंडिया में रूल करने वाले हैं। यानी कि 1857 का जो बैटल होता है, लास्ट बैटल जो था, उस समय लास्ट मुगल एम्परर जो था बहादुर शाह जफर सेकंड, उसका रूल था। तो उससे यार मुगल्स ने काफी टाइम तक रूल किया, यानी सबसे पहले हिंदू रूलर्स थे, उसके बाद में आपके सल्टनेट पीरियड में मुस्लिम रूल, ये सल्टनेट पीरियड में डिफरेंट टाइप ऑफ रूलर्स यहाँ पे आ चुके हैं, उसके बाद में मुगल्स आपके आने वाले हैं, देन उसके बाद ब्रिटिश इंडिया, जो ब्रिटिश है इंडिया में आके वो रहने वाले हैं या फिर उनका रूल चलने वाला है। तो स्लेव डायनेस्टी की बात करते हैं तो स्टार्ट होती है ये 1206 से। कहां से स्टार्ट होती है? 1206 से। तो बेसिक मैं आपको बता रहा हूं कि डायनेस्टी जो थी, 5 डायनेस्टी उनके बारे में और उनके जो मेन मेन रूलर्स हैं उनके बारे में बता रहा हूं। तो सबसे पहले थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद में आए शमसुद्दीन। कौन है? शमसुद्दीन। ये इसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक का शमसुद्दीन, और उसके बाद रुकुद्दीन और फिर रजिया सुल्तान। ये फर्स्ट फीमेल रूलर है। कौन है ये? फर्स्ट फीमेल रूलर। उसके बाद नासिरुद्दीन और गियासुद्दीन बलबन, ठीक है। इसके बाद में आती है आपकी खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी की जब बात करते हैं तो जो फर्स्ट रूलर है इसका जलालुद्दीन। कौन है? जलालुद्दीन। उसके बाद में अलाउद्दीन, लास्ट में खुसरू मलिक। खुसरू मलिक ये इसका लास्ट रूलर था। उसके बाद में आता है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी अपने बहुत ज्यादा फेमस है। इसमें सबसे पहले आता है गियासुद्दीन तुगलक। कौन आता है? गियासुद्दीन तुगलक। देन आएगा मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। अब यहाँ पर जो मोहम्मद बिन तुगलक है, ये अपने अजीबोगरीब जो इसके निर्णय होते थे, जो इसके मतलब जो इसकी सोच थी वो थोड़ी अजीब सी थी, इसलिए ज़्यादा फेमस है। हिस्ट्री में इसके बारे में ज़्यादा पढ़ा जाता है, मतलब बताया जाता है कि इसका जो काम करने का तरीका था वो इनमें से सबसे अलग था, और जिसके कारण इसके बारे में ज़्यादा स्टडी करने वाले हैं। देन अगला आता है सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी से बात करते हैं, इसमें सबसे पहला आता है खिजर खान। खिजर खान के बाद आता है मुबारक शाह, देन मोहम्मद शाह, लास्ट में अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह ये थे सैयद डायनेस्टी के मेन रूलर। उसके बाद में आते हैं लोदी डायनेस्टी। लोदी डायनेस्टी की बात करते हैं, सबसे पहला जो कौन आता है? बहुल लोदी, उसके बाद में सिकंदर लोदी और लास्ट में इब्राहिम लोदी। और इसके बाद जाके जो सल्टनेट पीरियड है आपका ये समाप्त होता है। देन आपके कौन आने वाले? मुगल्स आने वाले हैं। तो उसके बाद में हम आगे चैप्टर स्टार्ट करेंगे।